राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को साफ व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के बायताल ग्राम पंचायत के मुरावनडीह गांव में पिछले 6 माह से हैंडपम्प खराब है, जिससे सत्यावती सहित 150 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, सरकारी हैंडपम्प जो नल लगा है गाँव में, उसको लेकर क्या समस्या है आप लोगों को? पानी के लिए तो क्या क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? अरे 3 ठो भैंस हैं बहू और लड़के बच्चे हैं, सबके लिए परेशानी है पानी का। तो कितना दूर आपको पानी लेने जाना पड़ता है? आधा किलोमीटर लाइन वहाँ लागत है, पानी हाली तो मिलत नहीं है, वहाँ कुछ समय लागत है पानी ला भरे में। तो एक दिन में कितनी बार आपको पानी लाने जाना पड़ता है? अरे 4-5 दाई तो लौहिक पर कुल दिक्कत है, तो वो इतना दूर बिना पानी तो चली नहीं। कहा गए प्रधान जी से, लेकिन प्रधान सुनत नहीं है, एकरे लिए कोनो सुनवाई नहीं है। अब ये इस समय देखा था आदमी कि गरीब लोग हैं, इनके का हुई, इनके कहे से कुछ सुनवाई नहीं है। नल खराब है, पानी भरे बहुत दूर जाए, कम से कम 1 किलोमीटर पानी लाओ लाओ हाथ किराया लागत है, कम से कम 10-15 औरत जाती भरे पानी। कितना समय लग जाता है? लगता है 1 घंटा। 1 घंटा? तो ये नल कितने दिन से खराब पड़ा है? 6 महीना खराब है। नहीं, प्रधान से बतावा गए, प्रधान कहें कि बन जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसे टाइम दे गए, सुनवाई नहीं की है। जी, यही नल है जो खराब पड़ा? हाँ, है यही खराब है। हैंडपम्प को लेकर बहुत समस्या है, ये हैंडपम्प 6 महीने से खराब है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम प्रधान जी से रिक्वेस्ट किए तब भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हम उधर नल, उधर सरकारी नल से पानी ला रहे थे और कई भी लोग ला रहे हैं, उनका भी समय नुकसान हो रहा है। यदि ये नल ठीक हो जाए तो हम लोगों का भी समय बच जाएगा। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि मुरावनडीह गांव का हैंडपम्प जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के वीडियो का मोबाइल नंबर है 94-54-47-57-58 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इन लोगों की समस्या दूर हो सके। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।